अगर इस पर नाराज हो गया तो मैं मानूंगा नहीं। कल बोला था एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ, सिद्धू साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई। पर बात तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे। अभी तक तो पूरे, आपकी बिजली मुफ्त हो गई? आपकी किसी की बिजली मुफ्त हुई? यहाँ पे इतने पत्रकार, किसी की बिजली मुफ्त हुई? किसी की बिजली मुफ्त नहीं हुई। देखो चन्नी साहब, कल मैं अभी आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बिजली मुफ्त कर दी चन्नी, गल घर 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 गल चल रही चन्नी, मसले हल करता है। तो मेरी, मैंने तो जनता से पूछा जी बिजली मुफ्त हो गई, बोले जी नहीं हुई। चन्नी साहब ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पूरे पंजाब में। चन्नी साहब ने व्यापारियों को बोला मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। कल चन्नी साहब क्या क्या आए ऑटो वालों को कि मैं तुम्हारे चालान खत्म कर दूंगा, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। हाँ जी, देखो जी, पहली चीज, कल मैं इनके बयान सुन रहा था, सारे कांग्रेस, चन्नी साहब के, सिद्धू साहब के, और भी कांग्रेसी, सारे जने क्या कह रहे थे, पंजाब का खजाना खाली हो गया, पंजाब का खजाना खाली हो गया। पंजाब किसने करा भाई पंजाब का खजाना खाली? 5 साल तो तुम्हारी सरकार थी, तुमने करा क्या? लूट लिया तुम लोगों ने? किसने करा पंजाब का खजाना खाली? जवाब देना चाहिए इनको। 5 साल के बाद जब दूसरा चुनाव आ रहा है, कह रहे पंजाब का खजाना खाली हो गया। तुमसे पहले 10 साल अकाली वाले थे, 5 साल तुम, 15 साल में तुम लोगों ने मिलकर लूट लिया पंजाब को, अब कह रहे हो पंजाब का खजाना खाली हो गया। एक मिनट, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले इसकी जांच करवाएंगे कि पंजाब का खजाना खाली किसने करा, इसकी जांच कराएंगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दिल्ली का खजाना खाली करके गए थे। उस टाइम भी शीला दीक्षित जी कहते थे दिल्ली का खजाना खाली, दिल्ली का खजाना खाली। केजरीवाल को खजाना भरना भी आता है, जांच भी करनी आती है। तो जो जो लोग कह रहे हैं खजाना खाली हो गया, उनसे सरकार नहीं चलती, इस्तीफा दे दें, हम सरकार चला के दिखा देंगे, खजाना भर के भी दिखा देंगे। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूं, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता है और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है। सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा, उनकी कैबिनेट को संभालने, वो उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभालने। आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है, बोल रही है कि आम आदमी पार्टी एक गारंटी लेके आ रही है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार बनती, पर इस वाली ने कल भी बिलेट मोस्टली जितना तो निरीक्षण कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की एक गारंटी इस तरह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्टिंग मिनिस्टर की एक एक शिफ्ट ये चीज जो आ रही है, मोदी गारंटी मुझे इस तरह लग रहा है कि केजरीवाल एक खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा सवाल सर के नाल जुड़ा हुआ कि तुसी गारंटी दे रहे हो पंजाब भर के, पर तुहाडे अपने एमएलए जिहड़े आ शायद उसकी यकीन नहीं
कर रहे हैं की है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਖੂਬ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ जनता को मेरे पे विश्वास है। पंजाब की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। मैं पंजाब की जनता का बहुत मान करता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे हमेशा पंजाब के लोगों का, पंजाब की जनता का इतना प्यार और इतना विश्वास मिला। तो जब मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ केजरीवाल की पहली गारंटी, तो जनता कहती है हाँ ये बंदा पूरी करेगा गारंटी। मैं कहता हूँ केजरीवाल की दूसरी गारंटी, तो जनता कहती है जी हाँ यह बंदा पूरी करेगा गारंटी। तो उसका तो मकसद ये है। आप अगर जिस दिशा में पूछ रहे हैं, केजरीवाल सीएम का कैंडिडेट नहीं है, मैं पहले भी कह चुका था। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा एमएलए का, देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दें, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो दो ही गए हैं, उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। तो ये गंदी राजनीति है, हम इसमें नहीं पड़ते। उनका प्रश्न है कि क्या उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है। देखो 2-3 चीजें सीएम फेस का पूछ रही हैं, मेरे को पता था ये तो पूछेंगे। पहली चीज ये पूछेंगे। सबसे पहले हर पार्टी या तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है और या नहीं करती है। अगर करती है, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव फिर ऊपर 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 ही जा सकता है, वो फिर नीचे नहीं आ सकता, वो पीक पे ही जा सकता है। जो जो पार्टी चुनाव के पहले ये रणनीति बनाती है कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्कुल चुनाव के करीब आने के ऊपर करती है, कोड लगने के करीब आने पे या कोड लगने के बाद करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली बार कैप्टन साहब को चुनाव 4 फरवरी को थे, कैप्टन साहब को एक हफ्ता पहले कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, रूलिंग पार्टी है पंजाब की, उन्होंने अपना सीएम क्या, वो नहीं बता रहे कि सिद्धू साहब बनेंगे कि रंधावा बनेंगे कि चन्नी साहब को ही कंटिन्यू करेंगे, वो अभी बता ही नहीं रहे। उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में योगी साहब को उनके डिप्टी सीएम, दो तीन डिप्टी सीएम सारे कह रहे हैं जी इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं करेंगे हम, तो लोटस पे, कमल पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं। कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, हरीश रावत होंगे कि उनके वो होंगे पता ही नहीं है। गोवा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, गोवा के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट रोज बेचारा सीएम घूम रहा है, दिल्ली के चक्कर काट रहा है, मेरे को सीएम अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको ये अश्योरेंस दे रहा हूं, बाकियों से पहले कर देंगे हम। सब तो पहले
मैं एक मिनट, वो कह रहे हैं कि क्या पंजाब को मुफ्त खोर बनाया जा रहा है। मेरे को बुरा मत मानना, इस शब्द से आपत्ति है। क्या हमारे पंजाब की सारी महिलाएं मुफ्त खोर हैं? मैं पूछ रहा हूँ मुफ्त का मतलब क्या है? सुनिए ना जवाब, सुन तो लीजिए। हमारे पंजाब की महिलाएं मुफ्त खोर नहीं हैं। अगर मैं किसी महिला की जेब में 1000 रुपये महीने डाल देता हूँ और वो बच्ची अच्छी शिक्षा ले लेती है, उससे वो बच्ची कॉलेज चली जाती है, किताबें खरीद लेती है। अगर किसी गृहिणी की जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी कर लेती है। किसी माँ की जेब में 1000 रुपये आ जाते हैं, वो उसके घर बेटी आई हुई है, उस बेटी को थोड़े से पैसे दे देती है। इसमें क्या मुफ्तखोरी क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। हमारे यहाँ इन नेताओं ने कर दी मुफ्तखोरी। एक चीज बताओ, आपके जितने मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनकी बिजली फ्री है कि नहीं है? तो मंत्रियों को तो फ्री बिजली मिले, और केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री कर दे तो कहते हैं केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है, केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है। उनको 4000 यूनिट बिजली मुफ्त होती है, एक एक मंत्री की 4000 यूनिट। उसकी बिजली भी फ्री, उसका पानी भी फ्री, उसका हेलीकॉप्टर भी फ्री, उसकी गाड़ी भी फ्री। मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, तुम्हारा पानी फ्री कर दूंगा, तुम्हारे को 1000 रुपए दे दूंगा। क्या बुरा कर दिया मैंने? भाई साहब, मैंने तो जिंदगी में ठान लिया, जो जो चीजें मंत्रियों को मुफ्त मिलती है सारी जनता को दिलवाऊंगा मैं। फिर ये मुफ्तखोरी और माफिया राज इस देश के नेता कर रहे हैं, इन नेताओं को ठीक करेंगे। एक माइक सुनाई नहीं दे रहा। मैंने पढ़ा नहीं उनका। वो आखिरी क्वेश्चन, करंगे जी इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है, करेंगे मेरी गारंटी है। किस चीज का? 2000 रुपए लेडीज को, लेडीज को 2000 देंगे? ब्लू कार्ड वाली लेडीज को देंगे। अच्छा, 2000 रुपए महीना देंगे हर महीने? अकाली दल पे क्या सरकार नहीं बन रही जिसकी वजह से? तो जनता तय करेगी कि उनको केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है कि अकाली दल। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू देखा था चन्नी साहब का, वो कह रहे थे कि असली आम आदमी तो मैं हूँ। बोले मेरे को गिल्ली डंडा भी खेलना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है। तो बोले असली आम आदमी मैं हूँ, वो केजरीवाल जो है वो आम आदमी नहीं है। मैं उनसे 100% सहमत हूँ। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को बच्चों के स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अच्छी शिक्षा देनी आती है, मेरे को बच्चों का भविष्य बनाना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, पर मेरे को आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं, मेरे को आपके लिए अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को 10-10 कैमरे लेके 24 घंटे घूम घूम के शूटिंग कराना नहीं आता, लेकिन मेरे को आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए अस्पताल बनाने आते हैं, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां देना आता है, मेरे को झूठे ऐलान करने नहीं आते, मेरे को आपकी बिजली मुफ्त करनी आती है, आपकी बिजली 24 घंटे करनी आती है। पंजाब की जनता तय करेगी कि उनको नौटंकी करने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए।